नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर की खबर। आज की अध्यक्षता हाजी रही साहब करेंगे, होटल वाले ना बैठो, हाजी रही साहब होटल वाले। अध्यक्ष साहब आप बैठिए। भाई कोई भी उधम ना करे, बात को सुनने के लिए आपको जमा किया है, ना कि आपको यहाँ पर भीड़ बदतमीजी करने के लिए। कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश ना करे अपनी तरफ से। हाजी फारूक साहब माला कनगर राहुल जी का स्वागत करें। चाचा अख्तर ऊपर हो जाए, चाचा अख्तर हमारे हमारे जिले के। आप मोहम्मद सेठी साहब यू जन सब नगर अध्यक्ष अध्यक्ष सभा पर आए और हाजी खालिद चेयरमैन साहब का रिजवान भाई मारे दल को स्वागत कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं, साइकिल के निशान पे वोट लगाकर राहुल भाई को कामयाब बनाए। राहुल भाई की कामयाबी आप लोगों की कामयाबी हो, है आप लोग आए हैं, इसके लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं चौधरी अशोक साहब को, वो आए और अपने जो है विचार रखें, वोट की अपील करें। मेरे बुजुर्ग और साथियों, आप सभी को पता है 10 फरवरी को आपकी वोटिंग होनी है, आप में बड़ा जोश है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस जोश को थोड़ा हल्का रखना है। दूसरी जो पार्टी है बीजेपी, वो ऐसी चाल चलती है और हमें भिड़ाने की कोशिश करती है। हिंदू मुस्लिम की नीति है उनकी लड़ाने की। आप लोगों को शांति से वोट डालना है, ज़्यादा हल्ला उल्ला नहीं करना, और 10 तारीख को साइकिल के बटन के आगे बटन दबा कर हमारे भाई छोटे भाई राहुल यादव को विजय बनाना है। मेरी आप सभी से उन्हें यह प्रार्थना है, शांति से वोट डालनी है। अभी आपने चौधरी अशोक साहब के विचार सुने, बिल्कुल खास से ध्यान रखें। अब मैं आमंत्रित करता हूं हाजी राशिद साहब को, हाजी राशिद साहब आए वोट की अपील करें। अपने बूथ पे वोट दिखाएंगे तो गिनती पे राहुल जी को भी जी को भी पता चल जाएगा कि बस्ती से कितनी वोट मिली। अगर हम खाली इसी चक्कर में रहे कि भीड़ दिखानेंगे और वोट नहीं निकाली तो दूसरी पार्टी कामयाब हो जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा। हमें जो है 10 तारीख को अपनी वोट को राहुल जी को देके साइकिल के निशान पर लगा के कामयाब बनाना है। इंशाल्लाह जब हम एक होते अपनी वोटों को मेहनत करके निकालेंगे, हर आदमी अपने घर की मेहनत करे और सारी वोट ले जाकर डाले, इंशाल्लाह कामयाबी 100% होगी। आगे भी आने जाएगा इंशाल्लाह, इस बार आप समाजवादी पार्टी को वोट करें, आप लोगों से अपील है। अब मैं आमंत्रित करता हूं गुड्डू सेठी साहब को, वो आए वोट की अपील करें। गुड्डू सेठी साहब नगर उपाध्यक्ष। अब किसी इंसान को चुनना
और अच्छे इंसान को चुनना, और अच्छे इंसान हम सब जानते हैं स्टेम कौन है। राहुल भैया एक ऐसे इंसान है, शायद हम पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा इंसान आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमें सिर्फ अच्छा इंसान चुनना है, शहादतमंद इंसान को चुनना, और उसे चुनना है तो हमें साइकिल का बटन दबाना है। साइकिल का बटन दबेगा जब हमारे राहुल भैया ही विजयी होंगे। इसलिए इतने बटन दबा दो कि चारों तरफ साइकिल आए, दूसरी कोई आवाज ना आए। अस्सलाम वालेकुम। विधानसभा की कामयाबी होगी जब ये यहाँ से चुनते जाएंगे तो इंशाल्लाह अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये कैबिनेट मंत्री बन के आएंगे जो हमारे सिकंदराबाद विधानसभा का कामयाबी से जो विचार करेंगे, विकास करेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब बना साइकिल का चुनाव खेल। वोट के अभी तो सब कर रहे हैं लेकिन परसेंट बढ़ा लोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, बहुत मार्जिन ध्यान रखना। इलेक्शन का टाइम है, सबको ये पता है, लेकिन जैसा भी हमारे मुकरान भाई कहते थे, जितना हमें अभी ये जोश है ना, हमारे युवा साथी जितनी मेहनत कर रहे हैं, रात भी जो है 12 बजे तक वही मेहनत करते रहे, इलेक्शन वाले दिन भी यही मेहनत हमें करनी है, क्योंकि वोट जो निकलवाएंगे युवा ही साथी निकलवाएंगे। हम जैसे तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन जो तुम्हें जोश है, जोश जो है 10 तारीख की शाम तक रहना चाहिए बरकरार, उसके बाद आराम कर लेना। और एक बात मैं बताऊँ, किसी के बहकावे में नाम है, आज मैं ब्लॉक भी गया था, वहाँ सब एक तरफा है, जो यहाँ नए नए तरीके के लोग बात फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उसको कोई यकीन न करें। हम तकरीबन 10 बजे के गए हुए शाम को आए वहाँ से असर के टाइम, तो हम 8-10 गाँवों में गए, हमारी बिरादरी के भी उसमें 7-8 गाँव आ रहे हैं और नगर ब्लॉक में भी रहे, तो वहाँ सब कुछ सही है। और हमें ये दिखाना है कि जैसे बुलावटी के लोग दावा भरते हैं हमारे सामने, हमें उन्हें पीछे छोड़ना है, उनसे ज्यादा बटन साइकिल का बटन दबाना है। आने वाले 10 तारीख को राहुल भैया अगर कामयाब होंगे तो हम सब कामयाब होंगे। ये खाली ये ना सोचे कि राहुल भैया कामयाब होंगे, उसमें अखिलेश यादव कामयाब होंगे, उसमें आजम खान साहब कामयाब होंगे, जो आज आजम खान साहब जेल में है इंशाल्लाह वो जो है 10 तारीख को जैसे 14 तारीख में शपथ लेंगे, अखिलेश भैया 15 में ही इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएंगे। ये हमसे ऊपर के लोगों ने हमसे वादा कर रखा है और इसलिए सोच के बोल रहे हैं कि हमें आजम खान को बाहर लाना है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना है और MLA जो है हमें राहुल भैया को बनाना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 10 करना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है, सिर्फ साइकिल देखनी है आने वाली 10 तारीख में। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। श्री राहुल यादव जी के साथ है, मैं आपसे यही अपील करता हूँ, किसी के बहकावे में ना आकर बटना नहीं है, सिर्फ आने वाली 10 तारीख को एक चीज याद रखनी है, साइकिल साइकिल साइकिल। एक शिकायत रहती है हमेशा कि भाई राहुल यादव जी बुलावटी से सिकंदराबाद तक जीत के आते हैं और सिकंदराबाद से आगे जब ककोड़ झाझर का क्षेत्र आता है तो हार जाते हैं। सभा में उपस्थित सम्मानित साथियों, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अब की बार राहुल यादव जी आप काउंटिंग झाझर से खुलवा लेना, आप हमें झाझर की तरफ से सबसे आगे आओगे, कोई आपको पीछे करने वाला नहीं है और आप लोगों को बचना नहीं है, सबको एकत्र होकर अपनी ताकत का एहसास कराना है और समाजवादी प्रत्याशी को विजयी बनाना है। जिसके दुख में सुख में परेशानी में काम आए हो साथियों, हर मजदूर गरीब और परेशान लोगों के साथ खड़े रहे हैं, हर आदमी के साथ खड़े रहे हैं, 20 साल से हमारे बीच में है। जितेंद्र यादव जी के बेटे राहुल यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व लालू यादव जी के दामाद, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रावड़ी देव जी के दामाद, ये हमारे परिचय कराने के मोहताज नहीं है, ये आज हमारे बीच में जो इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं साथियों, ये कोई थाने की दलाली करने के लिए नहीं आए, ये कोई फैक्ट्रियों की दलाली करने के लिए नहीं आए साथियों,
ये हमारे बीच में आए हैं तो हमारे सेवा करने के लिए, बुजुर्ग समय सेवा करने के लिए और नौ। इसीलिए साथियों, आने वाली 10 तारीख को जोश के साथ होश मत खो देना, अपनी एक एक वोट समाजवादी पार्टी को डालकर राहुल यादव जी को यहाँ से विधायक बना के भेज देना। इसी के साथ अपनी बात खत्म होगा। जय हिंद, जय समाज। हमारे नगर अध्यक्ष साहब ने बहुत अच्छे विचार के, एक हो जाओ, एक हो जाओ, किरदार बदल दो, एक हो जाओ, किरदार बदल दो, चंग लगी हुई तलवार बदल दो, दुश्मन से नहीं डर के बैठो घरों में, तुम चाहो तो तख्त और ताज और सरकार बदल दो। ये वोट की चोट का जो अधिकार मिला है, वोट की चोट ऐसी पड़नी चाहिए कि गुम चोट जो होती है ना, गुम चोट, उसकी ना तकलीफ बहुत होती है, खून मत निकलने देना, गुम चोट मारनी है और वोट की चोट मारनी है। हमारा भूत सबसे मजबूत, हमारा सिकंदराबाद सबसे मजबूत। जैसे अभी कहा था मेरे बड़े भाई ने कि झाझर से गिनती, अरे भाई सिकंदराबाद से गिनती होगी, सिकंदराबाद से। मेरा सिकंदराबाद पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। मेरा सिकंदराबाद का मुसलमान भाई पहले भी समाजवादी के लिए मरते थे, आज भी समाजवादी के लिए मरते हैं, चलेगी इंशाल्लाह। ये जो मुसलमानों को तहमत लगाते हैं, कहते हैं पश्चिम वालों से, योगी जी गर्मी मिटा देंगे, गर्मी मिटाने कौन आता है, गर्मी मिटाने क्या बर्फ का ठेला लेके घूम रहे हो भाई। मैं यून नबी हूँ, शिमला बना देते हैं। में सियासत हम नहीं करते, मुसलमान तो वो शख्सियत है जो मर कर भी जाएगी यहाँ से तो गुस्ल करके वतन की मिट्टी को नापा। हम इल्जाम देते हमें, यकीन मानो हमने वो किया है। आपकी कोरोना के वक्त में जो लाश है छोड़ कमर पर हाथ फेर दिया, जो कोरोना के वक्त में जो लाश है आप छोड़ छोड़ कर गए हो, हमने उनको जलाने, हमने उनको शमशान पहुंचाने का काम किया है। यकीन मानो हमने उन चीजों को, मतलब जो अपने गले से लगा करके और अपनी तकलीफों को न समझ करके हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। दोस्तों मैं कह देना चाहता हूं आपसे कि कभी जलजला तो कभी तूफान आएगा, कभी जलजला तो कभी तूफान आएगा, लेकर मौत का ऐसा पैगाम आएगा और पड़ेगी भारत को जब कोई हिफाजत की जरूरत, सबसे पहले निकल के मुसलमान आएगा। जोर देख के लगता है कि 10 तारीख में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, ये तो हमें मालूम है। कल रात जो आपने कुर्बानी दी, रात को 11 बजे तक, रात के 12 बजे तक इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर आप अखिलेश जी का दीदार करने के लिए, अपने महबूब नेता का दीदार करने के लिए रोड पर रहिए, यह आपके दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने इतना हौसला उनका बढ़ाया, इतना सम्मान आपने बढ़ाया। मैं आपको सभी बातें बहुत सारे वक्ताओं ने कह दी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे जो भाई का वास्ता देंगे। हमें भाई वो देखना है, अखिलेश यादव जी ने और जयंत चौधरी जी ने एक गुलदस्ता बनाया है, उस गुलदस्ते के अंदर लाल रंग का भी पौधा है और पीले रंग का ही पौधा है और नीले रंग का ही पौधा है और सफेद रंग का ही पौधा है। वो गुलदस्ता हमारे बीच में है और उसका प्रत्याशी है राहुल यादव। तो मेरा मन है कि मैं आपसे बात करूं साथियों, समाजवादी पार्टी को क्यों वोट देनी है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी को वोट देंगे आप तो इंशाल्लाह फिर कोई लफ्ज जिहाद नहीं होगा, किसी लफ्ज जिहाद के नाम पर किसी निर्दोष की हत्या नहीं की जाएगी। वोट समाजवादी पार्टी को इसलिए भी देनी है, फिर किसी निर्दोष की, किसी निहत्ते व्यक्ति की हत्या गौकसी के नाम पर नहीं होगी। आपको वोट समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए भी देनी है, फिर किसी निर्दोष को कहीं भीड़ इकट्ठा होकर के, कुछ फुजदिल लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर आएगी और वो जय सियाराम के नारे लगवाने के नाम पर हत्या कर देगी। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अखिलेश यादव जी को चुनिए, आप समाजवादी पार्टी को वोट करिए, पूरी गारंटी है इंशाल्लाह आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।
साथियों, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आपको चीजों को बताया क्योंकि ये एक चुनावी सभा है और चुनाव का समय है भी, और आप सबको यहाँ पे एकत्रित इसलिए किया गया है क्योंकि वोट की अपील करने के लिए। आपको सभी वक्ताओं ने बड़े विस्तार से चीजों को समझाया, बताया कि भारतीय जनता पार्टी का क्या सोच है, समाजवादी पार्टी की क्या सोच है। मैं आपके बीच में कुछ चंद बातें करना चाहता हूँ कि मैं इस विधानसभा के बारे में, मैं अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में, मैं अपने युवा साथियों के बारे में क्या सोचता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि आने वाली 10 तारीख को आपको एक डिसीजन लेना है, आपको तय करना है कि चाहे सिकंदराबाद क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिंदुस्तान हो, ये किस दिशा में जाएगा। आपको तय करना होगा कि ये हिंदुस्तान किस दिशा में जाएगा। आपके सामने दो विचारधाराएं हैं, ये दो विचारधाराएं बहुत आपको करीबी से जांचनी होगी, परखनी होगी। एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है जो बात करती है बंटवारे की, वो बात करती है युवाओं को बेरोजगार रखने की, वो बात करती है हर जमात को अपमान करने की। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, जब माननीय हमारे आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई ताकि सभी बच्चे वहां पे पढ़ सके। उनकी सोच थी कि अगर जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैं भी वो सोच रखता हूँ, मैं उन्हीं से मैंने सीख भी ली है कि आपको जब उसकी दीनी तालीम के साथ साथ आपको सांसारिक तालीम भी लेनी होगी, और यही सोच रखते हुए आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई थी। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सोच को वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाए और उनको जेल भेजा। उनके आजम खान साहब की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने ये सोचा कि अकलियत के बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको मुख्य धारा में लेके आया जाए। क्योंकि सोच यही है, जब तक हमारा युवा, यहाँ पे बहुत युवा खड़े हैं, जब तक हमारे युवा दीनी तालीम के साथ साथ सांसारिक तालीम नहीं लेंगे, ये मुख्य धारा में नहीं आएंगे। जब तक आप सब लोग अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे मैकेनिक, उसके साथ एडवोकेट के साथ साथ अच्छा DM SSP नहीं बनेंगे, हिंदुस्तान आगे नहीं जा सकता। हिंदुस्तान जिस तरह बल्लू भाई ने कहा, ये एक गुलदस्ता है, इसमें हर रंग के, हर जात के, हर धर्म के लोग हैं। हम एक हिंदुस्तान है, हम एक भारत है, हम इकट्ठा लोग हैं। पता नहीं कहाँ से ये विचारधारा आई है जिसने सब में बंटवारा करने की कोशिश की है। लेकिन उससे अलग एक विचारधारा और है आपके बीच में, और वो विचारधारा है गठबंधन की। वो विचारधारा है माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी की, जिन्होंने गठबंधन किया है। उन्होंने गठबंधन इसलिए किया है, वो चाहते हैं कि हमारा युवा को अच्छा रोजगार मिले, वो चाहते हैं मेरे बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, वो चाहते हैं कि किसानों को उनकी उपज के सही दाम मिले, वो चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे, वो चाहते हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है वो कायम रहे, वो चाहते हैं कि जो हमारा अधिकार है, वोट का अधिकार है, वो कायम रहे। लेकिन मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि वोट डालने का हमारा अधिकार है, लेकिन वोट डालने के साथ साथ हमारा एक अधिकार और है, वो है सवाल पूछने का। और आप लोगों को सवाल पूछना सीखना होगा, आपको सवाल पूछना होगा। यहाँ बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो ठेली पे चलाते होंगे, रेहड़ी पटरी पे चलाते होंगे, उस पर ठेली पे सामान बेचते होंगे, आपको ये सवाल पूछने होंगे कि ऐसा क्यों है कि कोई पुलिस वाला आता है डंडा लेके आपको डांट के यहाँ के हटा के चला जाता है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर आपके पास हर वो अधिकार है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है। कोई भी आपको डंडे से नहीं मार सकता, आपको ये चीज सीखनी होगी, आपको ये पूछना होगा, आपको अपने अधिकार जानने होंगे कि जो मेरा युवा है उसकी नौकरी कहाँ है। आपको पूछने होंगे ये सवाल कि बताओ मेरे जो मेरा युवा है वो पूछे कि नौकरी कहाँ है, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें पूछना होगा कि अच्छी चिकित्सा कहाँ है। बहुत सारी चीजें कहने के लिए, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने विस्तार में बताया है, लेकिन आप लोगों को एक चीज जाननी होगी कि मैं जो सोच रखता हूँ वो है विकास के बारे में। मेरी सोच ये है कि जब तक हमारे युवाओं के पास अच्छा रोजगार नहीं होगा, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, हमारा सिकंदराबाद आगे नहीं बढ़ सकता। मैं चाहता हूँ, मेरी सोच लेके आया हूँ आपके बीच में कि हमारे यहाँ पे सिकंदराबाद में बहुत से ऐसे युवा हैं जो बहुत सारा स्पोर्ट्स खेलते होंगे, वो कोई क्रिकेट खेलता होगा, कोई फुटबॉल खेलता होगा, हो सकता है कोई गुल्ली डंडा भी खेलता हो, खेलता है कोई गुल्ली डंडा और कंचे। Yeah.
बल्लू भाई ने बताया गुलेंडे के, और यहाँ पे लट्टू कौन कौन चलाता है? बल्लू भाई लट्टू वाले ज्यादा यहाँ पे, गुल्ली डंडे वाले कितने भाई? अरे भाई तो एक बात तो बताओ, फिर हमें क्यों नहीं बुलाते, हम भी खेलें गुल्ली डंडे आपके साथ? लेकिन सोच यही है, देखिए मैं भी आपके बीच का हूँ, मैं भी यही खेल खेलता हूँ। सोच ये है कि युवाओं के साथ ऐसी जगह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिकंदराबाद में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा अच्छा कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है जहाँ पे बच्चे जाके क्रिकेट फुटबॉल और बहुत सारी चीजें खेल सके। अब मेरी सोच ये है, अगर आपका आशीर्वाद रहा, आपकी दुआ रही, तो सिकंदराबाद के आसपास एक ऐसा अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड जहाँ पे जाके सब बच्चे सारी चीजें ये सब खेल सके, ये सोच रखते हैं। मेरी सोच ये भी है कि हमारे सिकंदराबाद के आसपास ऐसा कोई अच्छे पार्क नहीं है जहाँ पे हमारी माताएं बहनें हमारे बड़े बुजुर्ग जाके टहल सके, बैठ सके, आराम कर सके, मतलब फ्रेश एयर में सांस ले सके। सोच ये है, युवा सोच है, बदलाव की सोच है। आपने पिछले 25-30 सालों में मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हर तरह की राजनीति देखी होगी। राजनीति के अंदर मैं आपके बीच में आया हूँ, लेकिन राजनीति में ना तो पैसा कमाने आया हूँ, ना कोई दलाली करने आया हूँ। सही कहा रिजवान भाई ने कि बहुत दलाली हो गई, मैं आपके बीच में आया हूँ ना तो पैसा कमाना है, भगवान का दिया, अल्लाह का दिया, पिताजी का दिया, बहुत कुछ है, पैसा नहीं कमाना। मैं आपके बीच में आया हूँ, सोच रखता हूँ एक ऐसी कि विकास होना चाहिए। विकास ऐसा होना चाहिए कि आज जहाँ पे आप खड़े हैं, अगले 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखें तो आप बोले सब सुख सुविधा होनी चाहिए। ये सोच रख के आपके बीच में आया हूँ। हो सकता है अभी आपको लगे, क्योंकि जिस तरह बल्लू भाई ने बताया कि आप सबको मालूम है माननीय अखिलेश यादव जी से मेरे संबंध क्या है क्षेत्र के विकास के लिए। मैं जब कल बस में उनके साथ आ रहा था तो मैंने उनसे एक चीज बताई थी, मैं कहा अध्यक्ष जी हमारे सिकंदराबाद के अंदर ना पानी की निकास की बहुत दिक्कत है। तो उन्होंने मैंने सबसे पहली चीज कही, राहुल यहाँ पे जब सरकार आएगी तो तय कर लेना यहाँ पे पास में काली नदी है, काली नदी को साफ करा के वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे और पूरा का पूरा सिकंदराबाद का गंदा पानी वहां पे निकास कर जाएगा। तो ये सोच है, मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, रस्ते में आ रहा था तो रस्ते में हमारा चोला इंडस्ट्रियल एरिया भी पड़ता है, मैंने अध्यक्ष जी से उसके बारे में बात करी, मैंने उनसे कहा जी हमारे चोला इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, यहाँ पे किसानों की बहुत दिक्कत है, जो पुराना मुआवजा था वो बढ़ा के मांग रहे हैं। अध्यक्ष जी का अखिलेश जी का साफ कहना था इसमें क्या दिक्कत है, हमारी सरकार आएगी सर्कल रेट को हम जो किसान मांग रहे हैं उस सर्कल रेट पे बढ़ा देंगे और जो सर्कल रेट होगा उसके हिसाब से उनको मुआवजा दे देंगे। क्योंकि सोच समाजवादी ये है कि किसानों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, किसानों का भला होना चाहिए, युवाओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा आपसे आके कि 10 तारीख को आप सब किसी भी उसमें ना आके, क्योंकि आपके बीच में हो सकता है लोग आए वो बात करें बंटवारे की, वो बात करें धर्म की, वो बात करें जाति की, लेकिन उस चीज पर ना जाके आप सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने मन पे हाथ रख के अपने आंख बंद करके अल्लाह का नाम लेके भगवान का नाम लेके पूछे कि आपके लिए इन सब प्रत्याशियों में से सब पार्टियों में से ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके परिवार के लिए बेहतर है, ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो आपके घर के लिए बेहतर है, ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो सिकंदराबाद शहर के लिए बेहतर है, ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो सिकंदराबाद विधानसभा के लिए बेहतर है। अगर आपको लगे कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये बच्चा उस कसौटी पे खड़ा उतर रहा है तो चुनाव चिन्ह आप सभी को मालूम है, साइकिल, साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर अपनी दुआ दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आपके हर सुख में, आपके हर दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय राष्ट्रीय लोकतंत्र। Para
जितने भी हमारे भाई हैं बुजुर्ग Thank you.